इस तरह से देखिए, सबसे पहले जो तेल है इसे छान के निकाला गया 10 किलो लगभग क्वांटिटी जो है वो है। और खाने तो हम लोग चलेंगे, ये सब जो नज़ारा है ये देखने का भी अपना एक अलग मज़ा है। जो खुशबू आ रहा है बढ़िया से इस मटन में से, इतने क्वांटिटी में मटन इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा है, इस नज़ारे का भी एक अपना अलग मज़ा है। इधर जो मटन है ये तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा जो खुशबू है वो आ रहा है इस मटन में। तो आज के इस वीडियो में आपको खाना तो दिखाने ही वाले हैं, स्पेशली मटन तो दिखाने ही वाले हैं, बट उससे पहले कुछ आपको जादू दिखाते हैं। और आप देख सकते हैं चारों तरफ से हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से घेरे पर हैं, कहीं तार मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है। अंदर में आप जैसे ही मूव करते हैं तो बिजली का जो भी सामान होता है, पंखा वगैरह, लाइट्स वगैरह मिल रहा है। और ये सब देख के आप समझ चुके होंगे कि हम लोग कहाँ हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। फिलहाल हम लोग हैं पटना में चांदनी मार्केट के पास, और पटना में एकमात्र यही ऐसा जगह है जहां इतना सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का दुकान जो है आपको एक जगह पर मिलेगा। बट इस जगह पर हम लोग ना कुछ बिजली का ख़रीदने आए हैं, ना कुछ उसके बारे में आपको बताने आए हैं, यहाँ पर भी हम लोग खाना को ढूँढ निकाल रहे हैं। तो एक हिडन जेम है ये, बहुत कम लोग को आप में से इस जगह के बारे में पता होगा। हम लोग को भी रिसेंटली इस जगह के बारे में पता चला है, नाम है उस जगह का रामजी होटल। बहुत पुरानी है और बहुत पॉपुलर है मटन के लिए, बट अभी तक हम लोग को इस जगह के बारे में पता नहीं था। और बहुत लोग पूछा करते थे कि पटना जंक्शन के साइड कुछ बताइए इस तरह का जहाँ कि हम लोग जाके मटन खा सके, पटना जंक्शन से जो नज़दीक हो। आज उनके लिए भी ये वीडियो है। तो हम लोग चांदनी मार्केट से अंदर इंटर कर चुके हैं, इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है, फर्स्ट फ्लोर पे वो जगह है। तो बस ऊपर चलते हैं और जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आपको बताते हैं, ओनर से बात करते हैं, और आज सारा जो मटन को बनाने का प्रोसेस है यहाँ का वो भी आपको दिखाएंगे। इंट्रो वाला पार्ट थोड़ा लेट शूट कर रहे हैं, आ चुके थे हम लोग मॉर्निंग में 7-7:30 बजे के आसपास, और जो सारा मटन का प्रोसेस है वो शूट किया उस टाइम, ये सारा कुछ जो है बंद था। 11 बजे से यहाँ मटन जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। चलते हैं ऊपर, लोकेशन जो है चांदनी मार्केट का वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। पटना जंक्शन के बिल्कुल पास है, बुद्ध स्मृति पार्क है उसके बिल्कुल सामने में है ये जगह। और ये जो स्टेयर केस है इससे आप जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर पर आपको आना है, फिर हल्का सा घूम के इधर आ जाना है और बिल्कुल सामने में वो जो होटल है वो आपको दिख जाएगा, जय राम जी होटल। तो आप ही यहाँ के ओनर हुए हैं? जी जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? सरवन कुमार। और ये किन के नाम पे है? मेरे पिताजी के। अच्छा, कितनी पुरानी जगह है ये? 20 साल पुरानी जगह। 20 साल लगभग हुआ है। और क्या क्या मिलता है यहाँ? मीट, मछली, मुर्गा, कलेजी। लोग मतलब दूर दूर से आते हैं खाने आपके पास? दूर से, हर जिला से लोग आते हैं। हर जिला से लोग आते हैं खाने? जिला से लोग आते हैं। अच्छा, जो भी स्टेशन बगल में है ट्रेन पकड़ने आते होंगे। हाँ, हर जिला से लोग आते हैं। तो चलते हैं अब हम लोग ऊपर और जो सारा मटन बनने का जो प्रोसेस है वो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ का फेमस मटन जो है वो बनता है। तो इधर जो प्याज है उसे तेल में इस तरीके से भुना जा रहा है, और कितने देर से चढ़ा हुआ है ये? 10-15 मिनट हुआ। 10-15 मिनट अभी ये हुआ। 20 से 25 मिनट लगभग हो चुका है। थोड़ी देर और इस तरीके से प्याज को गलाना है। इसमें जो आप देख रहे हैं हल्का सा पानी डाला गया है और बाकी तेल में फ़ौरन डाल के प्याज को डाला गया था। तो इधर जो है मटन आ चुका है, प्याज लगभग 45 मिनट तक पकाया गया, अभी भी प्याज जो है वो चढ़ा हुआ है। और नेक्स्ट जो मटन है वो आ चुका है यहाँ, लगभग 10 किलो के आसपास मटन है। अब मटन को अच्छे से वॉश किया जाएगा। तो दो अलग अलग तरीके का चीज़ बनता है, एक तो मटन बनता है, साथ ही साथ यहाँ कलेजी भी बनता है, तो अभी वो भी बनने वाला है। लगभग 1.25 घंटे तक इस तरीके से प्याज को गलाया जा रहा है तेल में, एकदम धीमी आंच पे। आप देख सकते हैं तेल डाला गया था और थोड़ा पानी डाला भी गया था, प्लस थोड़ा पानी प्याज का खुद का भी है। और मटन जो है इधर आ गया है, इसे पानी में थोड़ा देर डाल के छोड़ा गया था। सीधा डायरेक्टली जो मटन है वो जा रहा है इस प्याज में, कोई मसाला अभी तक नहीं डाला है? नहीं, कोई मसाला नहीं है अभी। इस तरह से मटन को डायरेक्टली इस प्याज में डाला जा रहा है। लगभग 10 किलो क्वांटिटी है मटन का, और प्याज का भी लगभग सेम रेशियो रहता है, 9 से 10 किलो के आसपास इसमें प्याज भी डाला गया था। तेल लगभग कितना डालते हैं? तेल 2 किलो। 2 किलो तेल डालते हैं, 2 किलो इस प्याज में डाल दिया था तेल। अब जा रहा है इस मटन में नमक। तो जो मसाला है वो मटन में डाल के ही भूनते हैं या मसाला अलग से तेल में भूनते हैं? नहीं, मसाला मटन में डलाता है। मटन में ही डलाता है। अब इसे इस तरीके से अच्छे से चलाना है, अच्छे से मिक्स करना है। तो आप कितना दिन से मटन बना रहे हैं? 10 साल से।
दस साल से मटन बना रहे हैं। अब जो है मटन में सबसे पहले डाला गया है ये, इसमें क्या क्या था? अदरक था, जीरा था और गोलकी था। आधी जीरा गोलकी और अब जा रहा है लहसुन। लहसुन कितना क्वांटिटी लगभग डाले हैं? आधा किलो। आधा किलो लहसुन डाले हैं। और अदरक कितना था? 100 ग्राम। 100 ग्राम अदरक था। अच्छा, इतना अंतर होता है। अब ये क्या गया? धनिया। धनिया गया। नेक्स्ट इसमें डाला गया धनिया। क्वांटिटी वगैरह आपके सामने है। और लाल मिर्च। लाल मिर्च है। अब जा रहा है नेक्स्ट हल्दी। सौ से 150 ग्राम के आसपास मसाला डालते हैं। हर मसाला लगभग 100 से 150 ग्राम के आसपास डलता है 10 किलो मटन में। और ये जो त्रिमूर्ति था, जो तीन मेन चीज़ है, वो डल चुका है। अब इस तरीके से इसे अच्छे से सारे मसाले को मिक्स किया जाएगा मटन में। और इसमें कुछ मीट मसाला ये सब भी डालते हैं कि नहीं? नहीं, मीट मसाला नहीं डालते हैं। तो कोई मीट मसाला नहीं, जो भी मसाला डलता है आपका खुद का पिसा हुआ, बाहर का कुछ नहीं, पाउडर वाला पैकेट वाला कुछ नहीं? कुछ नहीं, खाली गरम मसाला डाला है। सारा जो मसाला है वो खुद यहीं पे पीसा जाता है और उसे डाला जाता है। अब मटन को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लिया गया है और अब इसे ढक के छोड़ दिया जाएगा। और लगभग 1.5 घंटा तो मिनिमम लगने वाला है इस मटन को पूरी तरह से पकने में। तो जो भी इसमें चर्बी वगैरह है, चुस्ता, सब एक ही साथ डाल देते हैं, बाद में वो सब नहीं डालते हैं? सब एक ही बार हो जाता है? सब एक ही बार डाला जाता है। हर 15 मिनट के इंटरवल पर इस तरीके से मटन को अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। लगभग आधा घंटा हो चुका है और जैसा कि आपको बताएं, हर 10 से 15 मिनट पर इस तरीके से मटन को चलाया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, ताकि कहीं से भी सटे नहीं, जले नहीं। और अब फिर वापस से इस तरह से इसे ढक के रख दिया जाएगा। तो लगभग 1.25 से 1.5 घंटे के बीच का जो समय है वो हो चुका है और अब जो है असली रंगत मटन में आना शुरू हो गया है। ये देखिए, मटन अब टेम्प्टिंग लगने लगा है। थोड़ी देर पहले तक नॉर्मल लग रहा था, अब जो है ट्रांजिशन हुआ है और अब ये जो है टेम्प्टिंग लगना शुरू हो चुका है। और कितना देर लीजिएगा? 10 मिनट। आप 10 मिनट में हो जाएगा तैयार? एकदम छोटा रहता है, छोटा माल का बच्चा रहता है। जो भी माल यहाँ यूज होता है सब छोटा माल रहता है। आप बता रहे थे कि चुस्ता छोटा है, इसका मतलब है कि माल छोटा है? 5 किलो का अंदाज में रहता है। अच्छा, बस 5 किलो साइज का ही रहता है? अच्छा, 5 किलो साइज का दो यूज़ करते हैं? दो करते हैं। अच्छा, जितना धीमा आँच में पकता है उतने दो स्वाद सिंचता भी है, भुंजाता भी है। जितना धीमा आँच पे इसको पकाया जाए, देख भी ना आप, एकदम धीमा आँच पे आराम से एकदम इत्मीनान से इसको पका रहे हैं। एकदम धीमा आँच पे पकाते हैं। बस 10 मिनट का इंतज़ार है, 11 भी बजने वाला है और लोग भी आना शुरू हो चुके हैं। रेडी हो जाए फिर किया जाएगा इसका टेस्ट। तो मटन हो गया रेडी? मटन रेडी। चलिए, बहुत इंतज़ार के बाद अब मटन जो है फाइनली हो चुका है तैयार। और ये देखिए, एकदम रोगन ऊपर में छलक रहा है। एक बार ज़रा बढ़िया से चला के दिखा दीजिए। बस जो मटन हमारा है ये हो चुका है तैयार। ग्रेवी भी एकदम गाढ़ा सा हो गया है क्योंकि इतना टाइम दिया गया है प्याज को गलाने में। स्लो प्रोसेस था, धीरे धीरे बनाया गया, पूरा पहले प्याज को गलाया गया, जिस वजह से प्याज टोटली टूट चुका है और जो कंसिस्टेंसी है ग्रेवी का बढ़ चुका है। और बगल में ही जो चावल है इसे बनाया जा रहा है, उसना चावल होता है यहाँ पर। इस तरह से देखिए, सबसे पहले जो तेल है इसे छान के निकाला गया, तो तेल को निकाल के अलग कर लिया गया, उसे ऊपर से डाला जाएगा और अब जो सारा मटन है उस मटन को इसमें शिफ्ट किया जा रहा है। इस तरीके से सारे मटन को उठा के इसमें शिफ्ट किया जा रहा है। तो कमेंट करके बताइए, मटन आप लोग को देखने में टेम्प्टिंग लग रहा है कि नहीं? हमको तो बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग सा ये मटन लग रहा है। 10 किलो लगभग क्वांटिटी जो है वो है और खाने तो हम लोग चलेंगे। ये सब जो नज़ारा है ये देखने का भी अपना एक अलग मज़ा है। जो खुशबू आ रहा है बढ़िया से इस मटन में से, इतने क्वांटिटी में मटन इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा है, इस नज़ारे का भी एक अपना अलग मज़ा है। और ये सब देख के और भूख जो है वो भी बढ़ रहा है। तो एक तरह से ये सब जो नज़ारा है ये आपके एपेटाइट को बढ़ाने का काम करता है।
तेल छान के निकाला गया था, उस तेल को इसके ऊपर डाला गया, जो सारा रोगन जो था मेनली वो सारा रोगन अब इसके ऊपर डाल दिया गया, और अब लास्ट में जो है ये धनिया के पत्ता से इसका किया जा रहा है गार्निश। इधर जो है हमारा मटन बन के आ चुका है, नीचे गए देख रहे हैं कि सारा टेबल भरा हुआ, वो लोग बोल रहे थे कि आइए हम लोग हटा रहे हैं, लोग को एडजस्ट करवा रहे हैं, बट हम सोचे इत्मीनान से लोग को बैठ के खाने देते हैं, हम लोग ऊपर आ जाते हैं और ऊपर बैठ के ही इत्मीनान से वीडियो बनाते हैं। थोड़ा लाइटिंग भी यहाँ का अच्छा था, नेचुरल लाइट था, इसलिए हम लोग नीचे नहीं बैठ के ऊपर आ चुके हैं। नीचे वैसे सारा कुछ हाउसफुल था, इस तरीके से हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि चांदनी मार्केट में आके मटन खाने वाले हैं, मतलब ये कभी इमेजिन भी नहीं किए थे कि चांदनी मार्केट में। इधर देखिए ये कूलर से हम लोग घिरे हैं, चारों तरफ कूलर है, पंखा है, जो भी बिजली का सामान है वो सब यहाँ मिलता है, उसी के लिए ये जो मार्केट है ये फेमस है, और यहाँ आके हम लोग खाएंगे मटन। तो इधर जो है आ चुका है गर्मा गर्म मटन, जैसा कि थोड़ा फ़ोटो लेने के चक्कर में ठंडा कर दिए हैं। ये हो गया राइस, उसना चावल मिलता है यहाँ, देख सकते हैं जो थोड़ा मोटा वाला दाना जिसका होता है वो उसना चावल है, कॉम्प्लीमेंट्री प्याज और चोखा। मटन का जो रेट है 50 रुपये है रेट, साइज़ ऑब्वियसली छोटा रहता है, साइज़ देख सकते हैं आप, तो जो रेट है उस हिसाब से साइज़ भी है, और राइस का जो रेट है वो शायद 20-25 रुपये के आसपास है। तो आप 110-120 रुपये में आके साथ में लेने पर शायद कुछ और रेट डिस्काउंट मिलता है। तो 110-120 रुपये का ये पूरा थाली है। ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ा सा, ये देखिए ये जो ग्रेवी है बिल्कुल गाढ़ा सा इसका कंसिस्टेंसी है, थोड़ा सा ये ग्रेवी मिक्स करते हैं राइस के साथ और करते हैं टेस्ट। एकदम देसी स्वाद, मसालेदार, तीखा ज़्यादा नहीं है, मसाला है, तीखा ज़्यादा नहीं है, मिर्च वगैरह ज़्यादा नहीं है। अब जो है ये मटन का पीस, पहले इसे टेस्ट करें। वाह, पीस बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, इधर आप देखिए ये ऐसे एकदम मटन का जो पीस है ये अलग हो रहा है, और बिल्कुल ही ये सॉफ्ट सा मटन, पूरा टाइम लेके धीमे आंच पे इसे गलाया जाता है, बहुत सही। मटन बिल्कुल मसालेदार है, मिर्च ज़्यादा नहीं है, मसाला डाला गया है, और दो वेरिएंट बनता है, एक ग्रेवी बनाते हैं कड़ी होता है उसमें मसाला जो है वो कम होता है, उसका जो ग्रेवी वो पतला होता है उसमें मसाला कम होता है, ये जो है इसे मटन स्टू बोलते हैं ये लोग, ये जो है ये होता है थोड़ा मसालेदार, और जो थोड़ा लहसुन का स्वाद है, तो थोड़ा मसालों का स्वाद मेनली हल्का सा डोमिनेट इसमें लहसुन कर रहा है, जो लहसुन का स्वाद है वो हल्का सा ज़्यादा आ रहा है बाकी मसाले के मुकाबले। ओवरऑल स्वाद बहुत अच्छा, मटन का पीस बिल्कुल सॉफ्ट। तो कभी भी इस एरिया से गुजर रहे हैं, मटन खाने का इच्छा हो रहा है, आइए बहुत कम रेट में अच्छा मटन आपको खिलाएं। कमेंट करके ये बताइएगा ज़रूर कि इस होटल के बारे में आपको पता था कि नहीं, और आपके लिए कितना शॉकिंग था इस तरह से चांदनी मार्केट के बीच में ऐसा कोई मटन के होटल के बारे में जानना। ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच।